मीडिया बंधुओं, जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तब से खासकर ये दोनों पार्टियाँ यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी के रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफ़ी बेहतरीन रहा। ऐसे में इनको ये हवा हवाई नारों ऐसे में इनको प्रदेश की जनता को इनके ये हवा हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं। इन नारों की आड़ में तो ये दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को, मतदाताओं को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए, तो जिनसे इन सीटों के मतदाताओं को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि सपा की रही सरकार में तो यहाँ अधिकारी लोग नहीं बल्कि सपा के गुंडे, बदमाश, माफिया आदि ही ज़्यादातर इनकी सरकार चलाते रहे, और अब ऐसा लगता है कि यहाँ हो रहे उपचुनाव में सपा अपने गुंडों, बदमाशों व माफियाओं को अंदर अंदर ये कह रहे हैं कि ये उपचुनाव जीतोगे तो आगे सरकार बनाओगे, तभी फिर बचे भी रहोगे। अपने गुंडे, बदमाश, माफियाओं को
अंदर अंदर ये कह रहे हैं, इस किस्म की रिपोर्टें भी हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। इस प्रकार से इन विरोधी पार्टियों की ऐसी सोच व धारणा से दूर रहकर अब बीएसपी ये चाहती है कि इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे, इन दोनों पार्टियों से, इनके गठबंधन से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। और अब समय आ गया है कि लोगों को खुद ही इन विरोधी पार्टियों के इस प्रकार के घिनौने, विषैले व संकीर्ण राजनीति के छलावों आदि से बचने के साथ ही इनके गुमराह करने वाले ऐसे नारों व पोस्टरबाजी आदि से भी जरूर बचना होगा और इसका जवाब इसी चुनाव में भी देना होगा। इसलिए यूपी में हो रहे विधानसभा चुनावों में आम लोगों के साथ ही खासकर यहाँ के वोटरों से ये विशेष अपील है कि वे इन विरोधी पार्टियों के ऐसे किसी भी छलावे, बहकावे व भड़कावे आदि में ना पढ़कर अपना व अपने परिवार के हित में तथा प्रदेश के भी हित में ऐसे सभी पार्टियों से दूर रहते हुए अपने वोट केवल बीएसपी उम्मीदवारों को ही दें, क्योंकि इसी में ही सबका हित निहित व सुरक्षित भी है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है, यूपी के उपचुनावों के साथ साथ तो इस समय देश में झारखंड व महाराष्ट्र प्रदेश में भी विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। यहाँ भी हमारी पार्टी अकेले ही अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ रही है। और यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों राज्यों के चुनावों में, झारखंड व महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए, जैसे कर्नाटक है, हिमाचल है, इससे पहले हरियाणा है, जिन राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, तो इन दोनों राज्यों के चुनावों में जो अब इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे हैं, इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में, इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पूर्व में जारी किए गए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों को लागू करने को लेकर, जो उस समय इन्होंने लागू किया था और किस्म किस्म के प्रलोभन दिए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसको ये लागू तो कर नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कर्नाटक में काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की पोजीशन खराब हो रही है, हिमाचल में भी हो रही है, हिमाचल में तो हालत ये खराब है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की कि वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को वो वेतन तक भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी गारंटी दे दी चुनावी घोषणा पत्र में। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों राज्यों के चुनावों में, यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो इस समय चुनाव हो रहा है, इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन तो पूर्व में जारी किए गए, इससे पूर्व में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां जारी किए गए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों को लागू करने को लेकर, इस समय अभी नया चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां वहां इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किए, तो पूर्व में जारी किए गए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने को लेकर एक दूसरे पर काफी आरोप व प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि इस मामले में ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनके बहकावे में इस बार यहाँ की जनता को कतई भी नहीं आना है। और अब तो इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार के खुद ही इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले की पोल भी खोल रहे हैं, और इस मामले में ऐसे सभी पार्टियों पर अब जनता को कतई भी विश्वास नहीं करना है। इतना ही नहीं,
बल्कि पूरे देश में हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न होना अभी तक भी बंद नहीं हो पा रहा है। और इस मामले में अभी हाल ही में महाराष्ट्र में अरविंद सावंत द्वारा जिस प्रकार से वहाँ एक महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे सरकार को हल्के में न लेकर, ये बहुत ही शर्मनाक है, अमानवीय है, निंदनीय है। जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसे सरकार को, वहाँ के सरकार को हल्के में न लेकर बल्कि अति गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं हुआ तो और लोगों के भी फिर मनोबल बढ़ जाएगा कि और भी बोलते जाओ और महिलाओं के बारे में, जो ये ठीक नहीं है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ साथ झारखंड व महाराष्ट्र स्टेट में भी विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।